हेलो दोस्तों वेलकम टू आर चैनल तो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं अगर आप लोग इसे सही से सहयोग देते हैं तो विश्वास मानिए हमारा जो टारगेट है हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि विद इन थर्टी टू फोर्टी डेज़ आप लोगों का शॉर्ट नोट्स के साथ रिविज़न कराया जाएगा और किस बुक के साथ कराया जाना है ये सारी बातें हम करेंगे लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें अदरवाइज़ आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यही है कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी चैनल जो है यूपी ट्रिपल एस सी ये बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि कोई भी चैनल जो है यूपी ट्रिपल एस सी को फोकस नहीं कर रहा है मैकेनिकल की जो है बहुत कम सीटें आ रही हैं इस वजह से लोगों ने मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स को जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं तो मैकेनिकल के हमारे पास जो आगे एग्ज़ाम हैं यूपीट्रोप्ल सी जेई इसरो टेक्निकल असिस्टेंट सेल और बी ए आर सी बी ए आर सी नहीं बी एस एस सी में जो एग्ज़ाम है आप लोगों का तो आप लोग देखिए ये दो महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वैसे तो लाइफ में कभी भी एग्ज़ाम हो आप लोगों को तैयारी होनी चाहिए लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है मेनली विद इन टू मंथ्स जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है कौन सी बुक से हम प्रिपरेशन करेंगे बुक का आज सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने सिलेबस को आगे लेके चलेंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा कम्प्लीट वीडियो देखिए टारगेट रख रहे हैं थर्टी टू फोर्टी डेज का क्योंकि जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या अप्रोच रहने वाली है तो पहले हम शॉर्ट नोट्स जो शॉर्ट नोट्स मैं दिखा देता हूँ किस तरह से शॉर्ट नोट्स बने हुए होते हैं या कैसे नोट्स बनाए जाते हैं इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मिलेगी या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप लोग इसकी पी प्राप्त कर पाएंगे देखिए स्क्रीन पे आपके सामने एक शॉर्ट नोट्स की थोड़ी सी झलक है जिसे आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स दिखाए जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने सिर्फ़ एक पेज दिख रहा है जो ये पेज दिख रहा है सिर्फ इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ इस पेज में आपके सोम का फोर्टी परसेंट कवर हो जाता है अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ ये पेज एस एफ आपके बीम्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट नहीं ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके इसी पेज में कवर हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से मैं बताऊंगा आपको किस तरह से और बहुत इजीली अगर आपने सिर्फ पाँच मिनट में बता रहा हूं मैं सिर्फ पाँच मिनट में ये आपका क्लियर करा दिया जाएगा इसके बाद आपको क्वेश्चन कहां से कराए जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोग अपनी स्क्रीन को ढंग से कर लें देख लीजिएगा ले आगे वीडियो में ये क्वालिटी सुधार दी जाएगी आप पहले ये देखिए कि इस बुक को हम फॉलो करने की सोच रहे हैं बाकी आप लोगों के सुझाव चाहिए होंगे ये जो बुक है ये अभी अभी मुझे किसी ने सजेस्ट की मैंने ये बुक देखी तो इस बुक की मैं आपको खास बात बताऊंगा क्या है क्या नहीं है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये वन लाइनर बुक है और टेन प्लस इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है विद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इम्पोर्टेंट जिनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं ठीक है अब मैं दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से दिया गया है बाकी आप लोगों के सजेशन होंगे तो खुरमी अगर खुरमी बोलोगे तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कोई भी बुक कर लो चाहे आप खुरमी कर लो चाहे आप जैन कर लो गुप्ता कर लो जो मन करे वो बुक करो लेकिन या यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक करो सारी बुक्स का मैटर वही होता है सोम चेंज नहीं होने वाली है लगभग लगभग बस ये होता है किसी में एक दो क्वेश्चन ऊपर हो जाते हैं किसी में नीचे हो जाते हैं लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं इस बुक में जो है जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और वन लाइनर फॉर्म में तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से इसका फॉर्मेट है तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा मैं इसका बता रहा हूँ क्यों हम इतनी जल्दी कर पाएंगे इसे देखिए मैंने आपको बोला कि विद इन फाइव मिनट्स तो आप लोगों को हम नोट्स से रिवाइज कराएंगे पहले उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लीजिए अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग करने के लिए चल रहे हैं तो एप्लाइड में खत्म है यहां पे सत्रह से स्टार्ट हुई है और थर्टी फोर पेजेस मतलब सत्रह पेजेस में पूरी की पूरी आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स खत्म हो गई है और ये मान के चलिए ए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें थियोरिटिकल पोर्सन एट्टी परसेंट तक रहता है और इसमें थ्योरिटिकल के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं विद न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं तो अगर आप ये सत्रह पेजेस हम डेली का टारगेट करेंगे कि तीन पेजेस डेली कर ही लें अब मान लीजिए सत्रह पेजेस हैं और अगर हम डेली तीन पेज करते हैं तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया है सारे सब्जेक्ट लगभग बीस से पच्चीस पेजेस में इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं तो अगर हम टारगेट करते हैं तीन पेजेस डेली का जो आपके 25 से 30 मिनट आपको देने होंगे डेली अगर आप 25 से 30 मिनट देते हैं तो 25 से 30 मिनट में क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो इस समय टाइम यही है यूपी ट्रोप्लस जेई टू वाला पेपर जनवरी में होने के चांसेस हैं और जो एट्टीन वाला है वो फैव लास्ट तक हो ही जाना चाहिए नहीं तो वो मार्च में पेपर होगा तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि विद इन टू मंथ्स आपके दोनों एग्ज़ाम ये निप, निपटने हैं और सेल का एग्जाम भी हो जाएगा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम भी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे तीन पेजेस करेंगे आप मान के चलिए अगर अट्ठारह पेजेस हैं और अगर हम तीन पेजेस करके चलते हैं विद थ्योरी तो हमारे पास सिक्स मतलब एक हफ्ते में हम एक सब्जेक्ट को निपटा देंगे ठीक है विद क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ये कैसा है कैसी है बुक ये देखिए आप ये यहाँ से इसका ये इंडेक्स दिया गया है ये देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन के सामने कि अप्लाइड मैकेनिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और फिर फ्लूड मैकेनिक्स है और फिर हाइड्रोलिक मशीन है थर्मोडाइनमिक्स है स्टीम बॉयलर्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अब ये देखिए आप इनके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है तो देखिए बिल्कुल जैसे खुरमी करती है सेम इन्होंने वही किया है बस इनके जो है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं अब जैसे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है कि ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अब आप लोगों को पता ही होगा चाहे वो यूपी पीसीएस हो या कोई भी हो सबको वन लाइनर बुक लास्ट टाइम पे पढ़नी पड़ती है क्योंकि वन लाइनर चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी से रिवाइज़ हो जाती हैं अदरवाइज़ आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को रिवाइज़ नहीं कर पाते हो इन सब की पी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी बस आप लोगों को ध्यान ये देना है कि इसके साथ साथ आप लोगों को शेयर ज़रूर करना पड़ेगा ये ये आपकी पहली शर्त होगी अगर इस पर व्यूज़ नहीं मिले देखो सबसे बड़ी बात तो यही है सभी को पता है कि बकवास चीज़ों पे वीडियो बनाते रहो कि रेलवे की ये आ गया एडमिट कार्ड ये हो गया वो हो गया उस पर सभी को व्यूज़ मिलते हैं हमें भी व्यूज़ मिलते हैं लेकिन सिर्फ व्यूज़ कमाना मकसद नहीं है अगर किसी का कुछ भला होता है तो बहुत बड़ी बात होगी इसीलिए ये कोर्स लेके आया जा रहा है अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कट ऑफ़ की एक वीडियो बना दो और एक लाख व्यूज़ ले जाओ और एक लाख व्यूज़ वहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर सौ वीडियो पर भी एक लाख व्यूज़ नहीं मिलेंगे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अगर डेली वन व्यूज़ भी एक वीडियो पे मिलते हैं तो हम ये समझेंगे कि वन थाउजेंड व्यूज़ में से हंड्रेड बच्चों या पचास बच्चों का भी अगर भला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है तो आप लोग सहयोग ज़रूर करिएगा आपको एक वीडियो ज़रूर दी जाएगी मतलब आप लोग उसे देखें और सब कुछ फ्री रहने वाला है ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पैसे वैसे लेंगे बस आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है इसी तरह से सोम में देखो ये डायरेक्ट जल्दी से रिवीजन के लिए आपको सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप टॉम पढ़ रहे हैं और टॉम के आपको इन्वर्जनस यहाँ से आप लोग देख लेना यू पीट्रीप्लस जेई में सिर्फ इस चार्ट से मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके दो क्वेश्चन मिल जाएंगे और दो क्वेश्चन का मतलब इस समय आपको पता होगा कि आठ नंबर हो जाता है ठीक है तो क्रिस रिवीजन अगर आपको चाहिए कि मतलब बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन मिलेगा और उसके साथ साथ आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे कि यू पी जेई में ये आया हुआ है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं कहाँ कहाँ आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो ये आप लोगों ने देखा और अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है नोट्स का मैं तो आपको दिखाई देता हूँ ये देखिए ये एक एक पेज है और ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका पूरा स्प्रिंग कंप्लीट हो गया है ये देखिए इसमें सिर्फ इतने से समय आपका स्प्रिंग कंप्लीट हो गया है कुछ शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश इतना इजीली समझाए गए हैं कि इतना इजीली समझाए गए हैं कि बहुत ही इजीली आपको याद होएंगे और याद ना हो तो ये हमारी गारंटी रहेगी कि याद होना ही पड़ेगा मतलब जरूर से जरूर आपको याद भी होगा बाकी आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने कुछ नोट्स का ये देखिए कुछ इस तरह से नोट्स दिए गए हैं देख सकते हैं आप लोग ये ये पूरा नोट्स का दिखाया गया है अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी शेयर किए जाएंगे और आप लोगों के साथ डेली अगर आप सिर्फ़ 25 से 30 मिनट दे देते हैं 25 30 मिनट तो मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ तो बिजबास मानिए आपका विद इन फोर्टी डेज़ सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दे के आएंगे बाकी आपकी मर्जी है आप क्या चाहते हैं अगर चाहते हैं देन स्टार्ट करेंगे अदरवाइज़ नहीं हम तो चाहते थे कि ग्रुप डी देखिए आप इस समय मांगे ग्रुप डी और एनटीपीसी की सोल पेपर कराने की तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो वाला स्टार्ट कर देंगे कोर्स तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा